To all of you students, today's topic is the normalizer or we can say centralizer of a group. So, uh, what is a normalizer? Uh, let G be a group and A belongs to G. So, we can say that A is any element in this group G. So, the subset Na which is equal to X in G such that X is equal to AX is called the normalizer or centralizer of that element A in group G. Or sometimes we can write it as normalizer of a this is equal to x in g such that uh, x a x inverse is equal to a so uh, i have taken this x to this side then it becomes x inverse so simply we can say uh, normalizer for finding the normalizer of a group we have to show that if we take any element x from that group g uh, it will commute with that element a in g so uh, uh, इफ दिस प्रॉपटी होल्ड्स देन इट विल कम इन देंट्रेलाइजर सो बहुत सिंपल है नॉर्मलाइजर को समझना नॉर्मलाइजर किसी ग्रुप का क्या होता है अगर हमारे पास कोई एलिमेंट होगा उस ग्रुप में सच दैट क्या हो हमें एक ऐसा सबसेट मिले और हम उस सबसेट में कैसे एलिमेंट होगा कि अगर हम कोई एक्स लेंगे किससे उस ग्रुप जी से और वो एक्स जो होगा मींस वो एलिमेंट जो होगा वो जो हमने पहला एलिमेंट लिया होगा ना जैसे ए बिलोंग्स टू जी उसके साथ वो कम्यूट कर जाना चाहिए मींस अगर वो कम्यूट कर जाता है तो उसका मतलब ये हो गया वो उसके नॉर्मलाइजर में आएगा या उसको हम सेंट्रलाइजर बोलेंगे अगर वो कम्यूट नहीं कर गया तो मीन्स वो नॉर्मलाइजर में नहीं आएगा सो so, यहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेंटर ऑफ ए ग्रुप वहां पे एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट वाज वहां पे हम यूज करते थे फॉर ऑल जी जी बिलोंग्स टू यहां पे पे वो कंडीशन नहीं है मींस वहां ये होता था कि जो एलिमेंट हम जिसके साथ उसको कम्यूट करेंगे वो हर एक जो ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए जो ऐसा हम एलिमेंट जो ग्रुप से लेंगे वो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए मगर यहां पर ऐसा केस नहीं यहां पर हम कहते हैं कि अगर वो एक भी एलिमेंट ऐसा होगा जो जो उस एलिमेंट uh, के साथ कम्यूट कर जाएगा तो वो उसके नॉर्मलाइजर में आ जाएगा अब मैं जैसे उस मैंने S3 की ली थी, यहां पर uh, जो मैं एलिमेंट ले रही हूँ मीन जो सबसे पहला एलिमेंट ए ले रही हूँ वो किसके साइकिल वन टू के, one, two, के सो ये मैं ग्रुप ले रही हूँ एक परमिटेशन ग्रुप का सो ये एक उसका सेट है हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे सो so, सबसे पहले हमें पता है कि जो S3 थ्री ग्रुप होता है सिमिट्रिक ग्रुप उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं इसमें छह एलिमेंट्स होते हैं जिनको मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कैसे हम उसको परमोटेशन में लिखते हैं और साइकिल्स में सो so, अब मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रही हूँ सो दैट इज वन टू वन थ्री देन इट इज टू थ्री एंड देन इट इज वन टू थ्री एंड लास्ट वन इज वन थ्री टू सो ये इसके सिक्स एलिमेंट्स है जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं अब हमें नॉर्मलाइजर फाइंड करना है और नॉर्मलाइजर हमें कहां पे

फर्स्ट है हमारा आइडेंटिटी तो मान के चले मैं अब क्या करूंगी आइडेंटिटी एलिमेंट को ले लेती हूं सो so, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ अब आइडेंटिटी एलिमेंट का जो मैं मल्टीप्लीकेशन uh, करती हूँ इस एलिमेंट के साथ वन टू के साथ सो so, मान के चलें ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या है ए है तो हमें एल एच एस किसके इक्वल शो करना है आर एच एस के इक्वल मीन्स हमने एक्स से किसके इक्वल शो करना है ए एक्स के इक्वल तो अगर हम दोनों को इंटरचेंज uh, भी करेंगे तो फिर भी हमारी जो वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी तो मीन्स ये कम्यूट कर जाएगा अगर ये आइडेंटिटी uh, के साथ कम्यूट कर गया तो मीन्स आइडेंटिटी

इसका दैट इज वन थ्री और यहाँ पे आ जाएगा वन टू जब मैं इन दोनों को आपस में दो मतलब परमोटेशन्स को मल्टीप्लिकेशन देखूंगी तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ इक्वल टू वन थ्री टू सो ये इसके इक्वल आएगा कि हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको शो किया था परमोटेशन को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और अगर हम इसका रिवर्स पार्ट देखेंगे वो इसके इक्वल नहीं आएगा मीन्स उसके जो वैल्यू होगी दैट इज़ इक्वल टू वन टू थ्री एंड विच इज़ इक्वल टू वन टू इन वन थ्री सो मीन्स यहाँ से ये पार्ट कम्यूट नहीं किया तो इसका मतलब हुआ जो वन थ्री था वो इस नॉर्मलाइजर को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये इसके साथ कम्यूट नहीं किया इसी तरीके से हम आ, अगला पार्ट करके देखते हैं देट इज़ टू थ्री जब हम टू थ्री को इस एलिमेंट के साथ ए के साथ वन टू के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी वन टू थ्री और ये अगेन नॉट इक्वल होगा क्योंकि जो इसका रिवर्स पार्ट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी वन थ्री टू और वो होगा दैट इज वन टू इंटू टू थ्री सो ये एलिमेंट बी इस नॉर्मलाइजर को क्या करेगा बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये कम्यूट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा नेक्स्ट इज द वन टू थ्री एलिमेंट और इसका जब हम इसके साथ कम्यूट करेंगे इसको तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी टू थ्री और ये भी अगेन इसका कम्यूट नहीं करेगा इसके एलिमेंट के साथ सो उसकी वैल्यू हो जाएगी वन थ्री अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ये चीज़ सो ये आएगा वन टू इंटू वन टू थ्री एंड लास्ट टर्म जो है हमारे पास दैट इज वन थ्री टू इसका जब हम इस एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट देखेंगे सो वो हमारे पास आ जाएगा वन थ्री और दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू आर एच एस पार्ट और उसकी वैल्यू हो जाएगी टू थ्री और वो हमारा आ जाएगा वन थ्री टू इन टू वन टू सो दिस मीन्स ये एलिमेंट भी क्या करेगा इस नॉर्मलाइजर के ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इन सारों में इन चार चारों पार्ट्स में क्या हुआ कम्यूट प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड नहीं की मींस एक्स ए, ए एक्स के इक्वल नहीं आया सो so, हेंस हम कह सकते हैं जो नॉर्मलाइजर में जो एलिमेंट्स होंगे खाली कौन कौन से होंगे एक आइडेंटिटी हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा साइकिल वन टू होगा सो so, ये इसका क्या है आंसर है बहुत सिंपल है बस समझना है और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है प्रोडक्ट so, के लिए हमें कैसे करना पड़ता है uh, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देती हूँ जैसे मैंने लास्ट भी आपको बताया था वीडियो में यहाँ पे हमें करना पड़ता है जैसे मैं ये दो uh, जो टर्म्स इनका प्रोडक्ट देखती हूँ इन दो साइकिल्स का ये जो परमोटेशन ग्रुप्स है सो so, जैसे मेरे पास एक ही है इसको पहले हम लिख लेंगे one, two, three, सो वन टू थ्री सो यहाँ पे अब बेस में क्या आएगा पहले वन किसको कर रहा है मैप टू को टू वापस किसको मैप कर रहा है वन को तो मीन्स ये आएगा टू देन वन और थ्री के थ्री मैप कर रहा है थ्री को इसी तरीके से वन थ्री को मैप कर रहा है और थ्री वन को मैप कर रहा है और जो टू है वो टू को मैप कर रहा है तो अब हमने देखना ये जो दो परमोटेशन ग्रुप्स हैं इनका आपस में हमने देखना प्रोडक्ट किसके को लाएगा सो सिंपल है ये जैसे वन टू को मैप कर रहा है तो टू किस को मैप कर रहा है टू को मैप कर रहा है तो आप लिखोगे यहाँ पे ये हमारे पास टू आ जाएगा ओके इसी तरीके से अब हमें देखना है सेकेंड पार्ट टू किस मैप कर रहा है वन को मैप कर रहा है वन किस मैप कर रहा है यहाँ पे थ्री को कर रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे थ्री आएगा इसी तरीके से थ्री किसको मैप कर रहा है थ्री को कर रहा है और थ्री यहाँ पे किस मैप कर रहा है वन को कर रहा है तो ये आ जाएगा वन सो so, जिसको हम साइकिल फॉर्म में डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं वन टू थ्री मीन्स वन टू को मैप कर रहा है टू थ्री को मैप कर रहा है और थ्री किसको मैप कर रहा है वन को मैप कर रहा है सेम देखिए यही चीज़ है वन टू को मैप कर रहा है टू थ्री को मैप कर रहा है और थ्री किसको मैप कर रहा है वन को कर रहा है सो so, इस तरीके से आपने क्या करना है इन परमोटेशंस का आपस में प्रोडक्ट लेना है तो उसकी वैल्यू ये आएगी जिसको मैंने अब डायरेक्टली लिखा है सो थैंक यू